हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। और इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, टाइफाइड डिजीज़ के बारे में, कि जो टाइफाइड जो डिजीज़ है क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है, और अगर हो गया तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये जो टाइफाइड जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है बेटा, इट इज़ कॉज बाय अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से होती है। कौन सा बैक्टीरिया है आपका? सेलमोनेला टाइफी। आप जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट काइंड्स के कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम घिरे हुए हैं। इनमें से कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, फंगस हैं, और आपके क्या हैं, ऐसे ही कुछ क्या हैं आपके बैक्टीरिया भी हैं। जैसे आपका ये बैक्टीरिया है कौन सा, सेलमोनेला टाइफी, जो आपको अपने स्क्रीन पे ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए बेटा कि बैक्टीरिया जो है ये दिखता कैसे है। अगर आप इसको देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो ये इस तरह से, ये बैक्टीरिया हमारे ब्लड में इस तरह से दिखते हैं कि अगर टाइफाइड जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, ब्लड का हम सैंपल लें, तो इस तरह से हमें ये बैक्टीरिया दिखते हैं। एक बैक्टीरिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, तो इस तरह से हमें ये बैक्टीरिया दिखता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये किसका बैक्टीरिया है, आपका टाइफाइड का। और इसमें सेल वॉल, डीएनए, न्यूक्लियोइड, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं इसमें। इसका खुद का राइबोसोम्स, ये सारे इसके ऑर्गेनेल्स हैं, या हम कहेंगे इसके पार्ट्स हैं टाइफाइड बैक्टीरिया के। जो ये टाइफाइड का जो फीवर है बेटा, ये मोस्टली अगर हम देखें किसको होता है, 1 to 15 ईयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या जो ह्यूमंस हैं, उनको ये अफेक्ट करता है। और ये जो टाइफाइड जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, किस तरह से बॉडी में पहुंचता है, ड्यू टू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम ऐसे कंटामिनेटेड जो फूड है, कंटामिनेटेड जो वाटर है, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ पहुँच जाता है बेटा, हमारे बॉडी में पहुँच जाते हैं। या क्या है, इट इज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द फीसिल मैटर ऑफ हाउस फ्लाई। जो आपका हाउस फ्लाइज हैं, ये गंदी जगहों पे बैठती हैं, फिर फूड में बैठ गई, तो तब भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अनहाइजीनिक जो कंडीशंस होती हैं, गंदी जगहों से, ठीक है, आपका अगर फूड में कहीं से ये बैक्टीरिया मिक्स हो गया, वाटर में मिक्स हो गया, ठीक है, मिल गया, मीन्स कहीं से आ गया वहाँ पे और हमारी बॉडी में चली गया, तो हमें क्या हो सकता है, टाइफाइड फीवर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो फीवर है मैंने कहा किसकी वजह से होता है, आपका सेलमोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, ये जो है स्प्रेड करता है बेटा इसको, सेलमोनेला टाइफी ह्यूमंस में। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ से पहुँचता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है हमारी बॉडी का, ठीक है, यानी कि फूड जो है जहाँ से बॉडी में जा रहा है इंटेस्टाइन से, वहाँ से ये बॉडी में पहुँचता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड होके हमें क्या कर सकता है, फीवर दे सकता है। फिर ये कहाँ आ जाता है, इस फेसेस में या हमारे स्टूल में आ सकता है, जिससे जो अदर्स जो लोग हैं, मान लीजिए कोई ऐसे खुले में चले गया, ठीक है, उसका जो स्टूल है, जो वेस्ट मटेरियल है, वहाँ उसने रिलीज़ कर दिया, तो बैक्टीरिया वहाँ से फिर किसी और फूड में मिल सकता है, वाटर में मिक्स हो सकता है, और वहाँ से फिर किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी ये पहुँच सकता है। अब देखिए बेटा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा, मान लीजिए ऐसा फूड या वाटर हमने ले लिया और फिर हमें क्या होगा, फीवर होगा, या हम कहेंगे कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें हेडेक, सर दर्द होना बहुत ज़्यादा, ऐसा जो अगर टाइफाइड का है तो क्या शुरू हो जाएगा, हेडेक शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा होते हैं, विच राइजेस मैक्सिमम इन द आफ्टरनून, दिन के टाइम पे सबसे ज़्यादा होगा। और टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा बेटा, इट विल इंक्रीज डे बाय डे, हर दिन टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता रहेगा। समझ रहे हैं, आज मान लीजिए 100 पे फीवर है, तो कल 101 हो जाएगा, नेक्स्ट डे 102 हो जाएगा, एंड हाई फीवर हो जाता है, सेकेंड वीक तक इंसान का जो फीवर है, ह्यूमन बींग का, 104-105 तक पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि ये डेक लाइन पे पहुंच जाता है, थर्ड एंड फोर्थ डे में बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है। और नेट सेल सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि भाई
कैसे पता चलेगा कि टाइफाइड ही है? तो इसके लिए क्या है बेटा, ऐसे इंसान जो है उनका ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ द माइंड, जिसे हम कहते हैं कि यानी कि इंसान कुछ भी बड़बड़ाता है, जैसे फीवर आ जाता है ना इंसान को तो वो कुछ भी बोलने लगता है बिना सोचे समझे, उसे पता भी नहीं होता वो बोल क्या रहा है। तो ये नट सेल सिम्टम है किसका, टाइफाइड का। पल्स रेट का स्लो होना, ठीक है, एब्डोमेन में पेन होना, थोड़ा सा जो वाटर ग्रीन स्टूल होना, वाटरी एंड ग्रीन कलर का स्टूल होना, बॉडी में रोजी स्पॉट होना या रेसेस होना, ये क्या है, दीज आर दी सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। अब देखिए बेटा, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसका प्रिवेंशन भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें पता है कि क्या है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि प्रिवेंशन अच्छी होती है, हमें प्रिवेंशन रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है बेटा, सबसे पहले तो है प्रॉपर सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखें, डिस्पोजल ऑफ फेशियल मैटर प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। अगर किसी को ऐसा है, टाइफाइड फीवर है, तो उसका जो फेशियल मैटर है, जो वेस्ट, जो एक्सक्रीटरा जो है, वो खुले में ना जाए, ठीक है, वो प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए। और आपको पता है कि सबसे अच्छा तो क्या होता है बेटा, वैक्सीन। टाइफाइड के लिए क्या अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, जो ओरल वैक्सीन भी इसको दी जाती है, टाइफोरोल करके आपकी जो वैक्सीन है उसको दिया जा सकता है, किस चीज़ के लिए, टाइफाइड से प्रिवेंट करने के लिए। और ये जो वैक्सीन है, टैब वैक्सीन दी जाती है, जिससे क्या, ये क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर 3 ईयर्स, लगभग 3 सालों के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जो टैब वैक्सीन होती है, इसमें क्या होता है बेटा, इट कंटेन्स द किल टाइफाइड बैसिली, यानी कि जो ये टाइफाइड है, सेलमोनेला पैराटाइफी ए एंड बी, जो ये बैक्टीरिया हैं, ये किल होते हैं, खत्म बैक्टीरिया होते हैं, और उनकी हेल्प से क्या बनाई जाती है, वैक्सीन बनाई जाती है। तो सबसे अच्छा किसी भी डिजीज़ के लिए जो प्रिवेंशन है वो क्या होता है, दैट इज़ अ वैक्सीन, क्योंकि अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम लोग क्या रहते हैं, इस डिजीज से बचे हुए रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं जो अच्छे प्रिवेंशन है, वो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि हाइजीन का ध्यान रखना है, हमारे हैंड्स प्रॉपरली हम वॉश करें, पानी अगर पिए तो कैसा हो, वो बॉइल्ड वाटर हो, यानी कि उसमें बैक्टीरिया ना प्रेजेंट हो, ऐसा कोई भी, बॉइल्ड हो, फिल्टर हो, क्लीन्ड हो, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी हम यूज़ करें उसको अच्छे से वॉश करें, क्योंकि आप जान समझ सकते हैं बेटा कि ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, और अगर वहाँ पे कहीं से ये बैक्टीरिया पहुँच गया तो हमारी बॉडी में जा सकता है और हम बीमार पड़ सकते हैं इससे, ठीक है। अब कंट्रोल, अगर मान लीजिए ये सारा ही प्रिवेंशन हमने रखे, उसके बाद भी हमें टाइफाइड हो गया, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इट कैन बी कंट्रोल बाय टेकिंग एन स्टैंडर्ड ड्रग। जो भी ड्रग, जो भी मेडिसिंस हमें कौन प्रिस्क्राइब करे, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे, वो हमें लेनी चाहिए। और आपके पास जो लिखी है अभी आपकी जो बुक है या आपके जो सिलेबस है, उसमें क्लोरोमाइसिटिन, ठीक है, एंड क्लोरो फिनिकॉल, जो वैक्सीन, जो मेडिसिन है आपकी, उसको दिया जाता है किसके लिए, टाइफाइड का जो फीवर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो था बेटा कि टाइफाइड के बारे में, कि आपका जो है टाइफाइड जो है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या जो है आपका, किस तरह से अपने आप को हम बचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो ये आगे की जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं डायरिया एंड पेप्टिक अल्सर आपका रह गया है, बहुत जल्दी उनकी भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होंगी, ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू बच्चों।